तो आपको क्या लगता है, हम जो इतना 1 घंटा हो गया लेक्चर पढ़ाते हैं, तो कोई बेवकूफ है नहीं? आप पूरा क्या करोगे, मोबाइल लेकर के भर भर दिन चैट करोगे फालतू काम? इतना तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस है ना, तो कॉमन सेंस लगाया करो। हमें तो कोई आस की तो बहुत नहीं रहे, आप लोग आते हो कि मतलब कमेंट पे लिख देते हो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी ले लो, ये फेसबुक आईडी ले लो, ये सब क्या है? हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ को अपना ख्याल रखिए, नहीं तो फिर आपको बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अरे कुछ इतना तो शर्मिंदा महसूस कीजिए कि मतलब मेरा माँ बाप हमको कितना अच्छा से पढ़ा रहा है, कुछ तो आपको शर्म होनी चाहिए यार। यहाँ पर कोई आपसे सच में कोई ट्रू लव नहीं करता है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर सौदा होता है सिर्फ। तो फालतू काम पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कम से कम अपने देखिए मेरा माँ बाप क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ से अभी कुछ नहीं करके जाओगे, मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग नहीं पूरा होगा ना, आप अगर सब्जी बेच रहे होगे कहीं रोड पर, तो तुम्हारा माँ पापा दोनों तुमसे तभी प्यार करेगा। अगर किसी लड़की से कर रहे हो तो उसमें तुमको वो नहीं कोई पूछने वाला है। कॉमन सेंस थोड़ा तो लगाया करो ना, कोई पागल तो हम है नहीं, अगर 1 घंटा बैठ के लेक्चर पढ़ा रहे हैं और तुम लोग वहाँ पर ये सब करते रहते हो। फालतू काम ये सब चीज़ बंद करो, ठीक है, और पढ़ाई पर कंसर्न को फोकस किया करो, ठीक है। और एक चीज़ तो कभी बोलेंगे अंधा, मतलब जो है अंधा वाला प्यार तो कभी करना ही मत, ये सब चीज़ गलत होता है, मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी मम्मी पापा कितना उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं घर पर, मेरा माँ मेरा बेटा जो है वो पढ़ रहा होगा सही से, और आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर, यही नहीं रहकर सर में, मतलब क्या शहर में रह करके अपना बाप माई का पैसा उड़ाते हैं। गलती का मत कीजिए, क्या कीजिए, ठीक है, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो जितना बताते हैं उन सभी को रिवाइज कीजिए पर डे, और आपकी क्लास रेगुलर रहती है तो आप यहाँ पर जो क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ का ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर फोकस किया कीजिए, ठीक है।